खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची एक महिला ने अपने ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपनी आपबीती वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को भी बताया। महिला का नाम शिवानी उर्फ खुशबू गुप्ता है, जिसकी शादी 12 दिसंबर 2015 को मोहल्ला वैष्णो कॉम्प्लेक्स आसिफगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ के रहने वाले देवेंद्र कुमार गुप्ता से हुई थी। महिला का आरोप है कि जब वो विदा होकर अपने ससुराल आई तो उसकी सास सावित्री देवी गुप्ता, पत्नी श्रीराम उर्फ मुन्ना लाल गुप्ता तथा ननद प्रीति गुप्ता शादी में मिले दान दहेज से नाखुश तथा दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करते थे। शिवानी के मुताबिक उसके पति ने जब उस पर एतराज जताया तो मेरी सास सावित्री देवी और ननद प्रीति गुप्ता मेरे पति के ऊपर हाथ छोड़ने लगी, उन्हें मारने पीटने लगी तथा घर से निकाल देने की धमकी देती थी। इस तरह के गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं। इस प्रकरण में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये तो देखने का विषय है, लेकिन सामाजिक ताने बाने बिखराव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें दहेज की वजह से परिवारों का टूटना अब आम सी बात हो गई है। मामला ये है कि हम पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं, पर हमारी सासू माता और ननद जी रहने ही नहीं देती हैं घर में, और बहुत झगड़ा करती हैं, बहुत मार करती हैं, हमारे पति को बहुत परेशान करती हैं। हमारा 4 साल का बेटा है, उसको 2 साल से अपने पास रखती हुई है। हमारी बच्ची को नाजायज़ कहती हैं इसके DNA टेस्ट कराओ, और हमारे पति को दूसरी शादी करने के लिए यूज़ करती हैं, जिसके लिए हमारे पति मना करते हैं। तो इनको कहती हैं कि तुमको जायदाद से बेदखल कर देंगे, और अब कहती हैं कि हम अपनी बच्चियों को सारी प्रॉपर्टी अपनी बच्चियों को लिख देंगे और तुम पति पत्नी को नहीं रहने देंगे। हमारे पति को भी जान से मारने की धमकी देती हैं। है कि हमारी माता हैं और हमारी बहन है, ये 6 साल से शादी को हो गया है, घर में हमको रहने नहीं देती हैं और बार बार दबाव बनाती हैं कि पत्नी को छोड़ दिया जाए। विदाई का मुकदमा हमसे करवाई थी, जो कि हम उसको सुलह कर लिए और उसको नहीं लड़ना चाहते हैं, तो हमको झूठी झूठी दरखास्त दे के तो हमको कोतवाली में बंद करा देंगी, तो पहाड़पुर चौकी इंचार्ज से कह के हमको परेशान करेंगी। हम उनकी रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं, उसके बावजूद आए दिन दुकान पे झगड़ा करती रहती हैं घर में, और कहती हैं जिस तरह तुम्हारे भाई की हत्या हुई है उसी तरह तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी, घबराओ मत। वो कहती हैं पत्नी को छोड़ो, तलाक दो। इस बच्ची का DNA टेस्ट करा रही हैं, अब कह रही हैं कि हम साबित करा देंगे कि तुम हमारे लड़के नहीं हो। चाहते यही हैं कि वो हमारे हमको अब जिस तरह रहते हैं सब लोग, हमारे हम लड़के हैं, उनके उनकी बहू है, उनके पोती पोता साथ में रहे, 2 साल का 4 साल का बच्चा उसको अपने पास रखी हुई है, और नेता भाजपा की नेता रह चुकी हैं, एकदम परेशान कर दी हैं, किसी से किसी को बनना नहीं है, एकदम दुष्टता करती रहती हैं। आवाज़ खाली सर उनकी सुन ले तो अभी आपके समझ में आ जाएगा कि वो क्या करती हैं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।